पूर्णिया प्रमंडल के नवनियुक्त आयुक्त गोरखनाथ ने फॉरविसगंज का औचक निरीक्षण किया है। यहां पर उन्होंने अनुमंडल कार्यालय और अनुमंडल अस्पताल का जायजा लिया, जिससे हड़कंप मचा रहा। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। पूर्णिया के फॉरविसगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचने पर प्रमंडलीय आयुक्त को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। आयुक्त ने अनुमंडल कार्यालय के सभी विभागों सहित आपूर्ति कार्यालय का जायजा लिया। परमंडलीय आयुक्त ने भूमि संबंधित विवादों की भी समीक्षा की है। साथ ही सरकारी और मठ मंदिर की अतिक्रमित जमीन को कब्जा मुक्त कराने को लेकर भी कई तरह के निर्देश दिए हैं। सरकार का ये आदेश है अभी कि हर पदाधिकारी को बुधवार और गुरुवार को फील्ड में इंस्पेक्शन कीजिए, फील्ड में व्यवस्था देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी या भू विवाद जो मामले हैं। अभी यहाँ मेनली हम लोग भू विवाद पर केंद्रित हैं। भू विवाद प्रशासन की एक मूल समस्या और विधि व्यवस्था की समस्या भू विवाद से ही जुड़ी है। भू विवाद मेनली बहुत सारे हमारे अंचल कार्यालय से भी जुड़े रहते हैं। उसको कैसे स्पीड लाइन दिया जाए, कैसे उसको स्पीडअप किया जाए, आम जनता को लाभ, जो लोग दबंग हैं, प्रतिभा ये प्रभावशाली हैं, वो तो न्याय ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब है और असहाय है, बेसहारा है, उसको न्याय कैसे मिले, उसकी प्रक्रियात्मक व्यवस्था को ठीक करने कार्रवाई थोड़ा प्रक्रियात्मक है, उसको ठीक करवाने का निर्देश निरीक्षण टिप्पणी में आएगा। देखिए, जमीन में विवाद दो तरह का होता है। कुछ विवाद है जो जुडिशियरी हल कर सकते, जो न तो प्रशासन के जिम्मे हल हो सकता है, लेकिन कुछ विवाद हैं, छोटे छोटे विवाद जो प्रशासनिक व्यवस्था से हल हो सकता है, उसे हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो जुडिशियरी जैसे टाइटिल बात है, तो टाइटिल तो जुडिशियरी, वो तो न तो SDM को पावर है, न DM को, लेकिन जो हम लोगों का रेवेन्यू कोर्ट से संबंधित मामला, उसको हम लोग सुन रहे हैं। अपने सिविल सर्जन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कॉपी